जय हिंद स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 5 लर्निंग टू डिजिट नंबर. ओके सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 48 एंड टुडेज टॉपिक इज एक्सपेंडिंग एंड एडिंग. यानी इस टॉपिक में आपको एक्सपेंडिंग फॉर्म सीखना है और एडिंग सीखनी है. ठीक है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड एड. तो इसमें आपको बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है और ऐड करना है. देखिए क्या कहता है ये, एक्सपेंडेड द गिवन नंबर इन द टेंस एंड वंस. यानी जो नीचे दिए गए नंबर हैं उनको आपको वंस और टेंस, या सॉरी टेंस और वंस में कह लीजिए, एक्सपेंडेड यानी तोड़कर लिखना है ना, उसने डिवाइड करके लिखना है. देन ऐड द टेंस एंड वंस सेपरेटली. इसके बाद आपको टेंस और वंस को अलग अलग करके, ठीक है, एक साइड कर लोगे. उसके बाद आप उसको ऐड भी करोगे, है ना, अलग अलग करके आप उसको ऐड कर लोगे. फिर क्या है, फाइनली कंबाइंड है, इसके बाद आप उसको कंबाइंड कर देंगे. अब आपको मेरी बात नहीं समझ में आई है तो चलिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. 22 + 13, ठीक है इसका. तो देखिए 22 को बेटा हम एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 20 + 2, और 13 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 3. ठीक है, जैसे 22 को हमने 20 + 2 लिखा, ऐसे ही 13 को 10 + 3 लिख सकते हैं. ठीक है, अब 20 को और क्या लिख सकते हैं, 20 को हम 2 times लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 digit का है ना. तो 20 को हम 2 times लिखेंगे, और जो इसके साथ प्लस 2 है उसको हम वंस के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि वो सिंगल है ना, ओनली 1 digit है, इसलिए हम उसको 1 form में ही लिखेंगे. तो वो हो जाएगा 2 once. तो ये क्या हो गया, 2 times + 2 once. ऐसे ही 13 को जो हमने डिवाइड किया है कैसे, एक्सपेंडेड फॉर्म में देखिए टेंस और वंस में डिवाइड किया है ना, 10 + 3. तो 10 को हम 1 times लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 10 को 1 times लिख सकते हैं, और प्लस 3 को 3 once लिख सकते हैं. 10 को 10s क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो 2 digit है ना, इसलिए हमने 10 को 1 times लिखा है, और 3 1 digit है इसलिए 3 को हमने 3 once लिखा है. ठीक है, अभी देखो टेंस टेंस को हम एक साइड करेंगे, वंस वंस को एक साइड कर लेंगे. ठीक है, तो 2 times + 1 10. नेक्स्ट लाइन में देख रहे हैं हम ब्लू कलर में, 2 times है ना, 2 times + 1 10. देन अब हम क्या राइट करेंगे, प्लस अब 1 1 को एक साइड कर लेंगे, 2 once + 3 once. ओके अब क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट लाइन में उनको ऐड करेंगे. तो 2 times + 1 10 कितना हो गया, 2 और 1 3, तो ये क्या हो गया, 3 times. अब वंस को हम ऐड करेंगे, तो 2 once + 3 once, तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है ना. तो क्या हो गया, 2 once and 3 once इनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर होगा 5 once. तो अब हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गया. कौन सी लाइन, 3 times + 5 once. ठीक है, अभी 3 times को हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, 3 times है तो 2 digit का होगा. ठीक है, और 10s है तो यानी लास्ट में उस डिजिट के साथ 0 लगता है. ठीक है, तो 3 times को हम 30 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 3 number है और 10s है यानी 0 लगेगा तभी तो वो 2 digit का हो गया. तो 3 times को हम 30 राइट करेंगे, प्लस 5 once है तो 5 राइट कर देंगे. तो 30 + 5 जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35. ओके, तो इस तरह से आप बाकी के जो भी इसमें एक्सरसाइज है ये अपनी कॉपी पे करोगे, बुक में करने की आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि बुक में स्पेस बेटा प्रॉपर नहीं दिए गए हैं. तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक आप इसको कॉपी में करेंगे एंड मुझे सेंड करेंगे. ओके, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसे मैं नेक्स्ट टाइम फिर से बताऊंगी. ओके सो आज के लिए इतना ही बेटा. जय हिंद ऑल ऑफ यू.